साजन लोपो ते परमजीत सिंह बुरज कलारा पेश करदे हन। किते आया, किस दिन आया, शुरुआत केड़ी सी, अजे तो बच्चा सी, शुरुआत दे जोश दी, जिदे भाई जैता गुरु तेग बहादुर जी का पवित्र शीस लैके दिल्ली चो आनंदपुर पहुंचया, चंदन की चीखा बना के शीस गुरु का चीखा ते रखता, धनो ते लबाणा लखी शाह बनजारा जड़े ने गुरु की पवित्र देही अपने घरे लिजा के चीखा बना के घर लोए अग लाती, गेट बंद करता, जिथे अज रकाबगंज गुरुद्वारा है, रकाबगंज उदो पिंड होंदा सी, उधर तो उधर होई समाप्ति, इधर जब शीश शिखा ते धरिया आनंदपुर, माता गुजरी जी कहंदे ने गोविंद राय नूं 8.5-9 साल की उम्र से महाराज जी, माता गुजरी जी कहंदे बेटा ते मामा कृपाल चंद आ दे मापिया की चीखा अग्नि पुत्र लावे, भावे छोटी उम्र है वह हाथ लगा देंगे, तू तो 8.5-9 साल से यह चीखा अग्नि तू दे। महाराज कहते ठीक है, दसो की हुक्म है, किदा देनी है। एक लम्मा जा पूड़ा लेके ना घा का ओनू अग्नि ला के मामा कृपाल चंद से माता गुजरी कहते थोड़ी थोड़ी अग छड़दा उत्तों की तुरै जा, ये लावा है जेड़ा अग लाने वाला कितने उन्हें लांबू कहते ने कि लावा अग ला जेड़ा, माता जी कहते रात ना बुझदे, हौली हौली चारे पासे थोड़ी थोड़ी छड़ दे चिखा भड़क उठे। महाराज ने जोश आ गया लावा हाथ च फड़ के, महाराज कहते माता जी ए नहीं बुझदा, तुसी तां दिओ ना भी राख बुझू, राख ते ने की बुझने लावे ने, इने तां चिखा नूं सार के भी नहीं बुझना, ए तां लातां मच्छी जाणगियां चिखा चों। हैरान हो गए किवें बेटा, ओह आदा जिहड़े जालम काजी मुल्ला औरंगजेब दिया ने आर्या ना चीरे मदी दास वर्गे दयाल दास वर्गे देगा जो वाले, मैं चीखा नू अग्नि नहीं दे रहा, मैं उन्हें जालमा दी अग भड़का रहा। महाराज ने हथ खड़े करते चीखा कोले, या समाप्ति होगी ना चीखा दी, उठी हथ खड़े करके दसवें गुरु ने पहले दिन कह दिता, कहता भी पंजाब दे बहादुरो हुण आपां ने शांति नहीं करनी, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਵੀ ਤੇ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਤੇਰਾ ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੰਡੇ ਚੱਕਾਂਗੇ ਤੇ ਜੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯੁੱਧ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ ਹਾਜ਼ਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੋ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਖੜੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ पंजाब की दुनिया नूं बेनती है अज तो मेरी फौज की भर्ती खुली है, आओ फौज विच जिहड़े योधे जंगी आउंदे ने। एक गल है, आवाज मिथ्या नहीं गई, पहले दिन जब गुरु ने कहा फौज की भर्ती खुल गई नाम लिखाओ, गुरु के दसवें पातशाह की भूआ बीबी पीरो उहदे पुत्र सी पंज, उह खड़े हो गए पंजे, संगो शाह गंगा राम गुलाब राय जीत मल मारी चंद पंजे खड़ गए। वह कहते दसवें पातशाह नूं महाराज साडी उम्र किसे दी 40 साल किसे दी 45 किसे दी 50, अज तो बाद असीं तेरी फौज दे नौकर रहांगे, तू हुण सानूं इह हुक्म दे। भर्ती खुल गई, जब उन्होंने नाम लिखाता ना फिर तो धड़ा धड़ पंजाब की दुनिया नाम लिखाई गई। 2 साल यानी ए देखे इतिहास ने 700 जंगी योधे ने नाम लिखाता 2 साल, गुरु जी हो गए 9.5 साल दे। एक उथे अजीब घटना हुई,
परेड करती है फौज, गुरु जी देख रहे ने। महाराज कहते एक नंद चंद हुंदा ट्रौली का भाई, नंद चंद इन वजीर का दर्जा सी, सलाहकार सी दसवें गुरु का। नंद चंद कोले खड़ा है, गुरु जी परेड वेखते है। गुरु जी कहते नंद चंद फौज तो है, हाथी घोड़े तो ठीक ने, जंगी समान तो बहुत है, पर एक कमी रहेगी, घाट है एक। वादा महाराज दसो की घाट है। दसवें गुरु कहते जब आप जंग न चढ़ांगे अपने को धौसा तो है नहीं, आप पहाड़ी राजे वजीर खां सरहंद जंग तो अपने ना लाउणगे, अपनियां फौजां का मुकाबला तो करनगे, पर अपने को भी धौसा नहीं है। जंगी बिगल उदो पहला हिंदू धौसा नहीं रख सकते, ढोल तो बजा सकते, हिंदुओं आदर से धौसा नहीं तुम बजा सकते, हाथी नहीं रख सकते, अरबी घोड़ा नहीं रख सकते, निशान साहब नहीं चला सकते। हिंदू गुलामी भी इन्ने मजबूर से नगारा। नंद चंद नमस्कार करके अठ दिन की आज्ञा लेके तुर गया। अठवें दिन न फिर खूह की मन वर्गा एक नगारा मड़ के महाराज के चरणों से लिया के रखता। लो सच्चे पातशाह थोड़ा इरादा नगारे से सी, आ मेरी सेवा कबूल करो। जब नगारा देखा महाराज ने बुकल च ले लिया कि नंद चंद नंद चंद और जिन्ना चिर दुनिया रहूगी तेरा नाम बोलू भी नगारे की शुरुआत की नंद चंद ने, ड्रौली वाले ने। ए दस ये नगारे का नाम की रखिए नाम। नंद चंद कहते महाराज गुरु नानक की दसवीं जोत हो तुसी, ये तो तुसी रखो, ये नाम की रखोगे। महाराज हस के कहते नाम है रणजीत नगारा। रणजीत जुगा तक रणजीतू सत बचन जी। महाराज कहते हम एक होर काम करो, टंकोर लाओ पहला फतेह दी, फतेह का डंका कौन लावे। अज तक तो हिंदुआ को नगारा होंगे नहीं सी, डंके कौन लाऊंगा। सतगुरु कहते फतेह का डंका लाओ, कौन लावे भला। नंद चंद कहते महाराज ये कम था थोड़ा ही है। फिर कलगी वाले पातशाह ने फड़ के डंका फतेह का, जब रणजीत नगारे से मारिया, जरा ध्यान ना टकना के पहाड़िया तक शोर पिया, गुलामी दिया जजीरा टुटिया, हिमालय वर्गे पर्वतों दिया चोटियां झुकियां। भी किने जन्म ले लिया भारत की धरती से, हिंदुआ के नगारे भी खड़कन लग पे। आओ आ कविता सुनो, रणजीत नगारे ने सी धरती का जिग रखलाया। गुरु पाचा वाले ने, गुरु पाचा वाले ने लाया जद फतेह का डंका, हंसे ते मात गई सारे चौहरे जन्म दी लंका। कादर दी कुदरत ने कहिंदे लख लख शुक्र मनाया, रणजीत नगारे ने ऐ धरती दा जिग रहलाया। हिंदुआं दे हिरदिआं ते सी सदियां दी जमी गुलामी, ए चंगी तौसे दे, ए चंगी तौसे दे कण मजलूमा दा हामी। डंके दीआं कोरां ने, डंके दीआं कोरां ने बणदा सुता शेर जगाया, रणजीत नगारे ने ऐ धरती दा जिग रहलाया। रणजीत नगारे ने खोलिया महादेव दा नेत्र, जो भारत भूमि सी सारी बन गई सी रण खेत्र। युग पांडवां दा युग पांडवा दा भीष्म ने पाण चलाया, रणजीत नगारे ने, रणजीत नगारे ने है धरती दा जिग रहलाया। अर्ग तो टंके सुखे अंबरों बिजली कड़की, सारू जंगल जुलमा दे, सारू जंगल जुलमा दे, जैसे बड़खंड जोला पड़की। ए समे
ਅਗਲਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂਏ ਚੌਂਦਾ ਸੀ ਲਾਇਆ ਰਾਜੀਤ ਨੰਗਾਰੇ ਨੇ ਐ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਗਰ ਹਲਾਇਆ ਪਰਬਤ ਵੀ ਬੋਲ ਪਏ ਪਰਬਤ ਵੀ ਬੋਲ ਪਏ ਇਹ ਕੋਈ ਦਾ ਕਰਮਾ ਵਾਲਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ ਮੁਖੋ ਧਨ ਧਨ ਕਹੇ ਸਵਾਲਾ ਆਰਤੀ ਵੀ ਬੋਲ ਗਈ ਜਦ ਤੁਲੇ ਨੇ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਨੇ ਐ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਗਰ ਹਲਾਇਆ ਕਦੀ ਸਿੱਖ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰਾ ਬੋਲੇ ਬੋਲੇ ਵੀ ਕੀ ਬੋਲੇ ਹੋਵੇ ਸ਼ਰਮ ਸਾਰ ਮੂੰਹ ਖੋਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਅੱਜ ਦਾ ਕੋਣ ਬਰਾਣਾ ਛਾਇਆ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਨੇ ਰਾਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਨੇ ਐ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਗਰ ਹਲਾਇਆ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਨੇ ਐ ਧਰਤੀ ਦਾ ਜਿਗਰ ਹਲਾਇਆ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਦੀਆਂ ਟੰਕੋਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਗਈ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਡੰਕੇ ਦੀ ਘੋਰ ਪਈ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਔਰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਪਰੇਡਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਨਗਾਰੇ ਖੜਕਾਏ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈਆਂ ਪਰੇਡ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਸੰਦ ਸੀ ਮਸੰਦ ਆਨੰਦਪੁਰ ਪਤਾ ਮਸੰਦ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਧਾਨ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਸੰਦ ਘਬਰਾ ਗਏ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਈ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਜਵਾਕ ਹੈ ਦਸਵਾਂ ਗੁਰੂ ਇਹਨੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਫੌਜਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਆ ਗਏ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਂ ਸਰਹੰਦ ਆ ਗਿਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਫੌਜ ਆ ਗਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਦਾ ਢਾ ਕੇ ਮਲੀਆ ਮੇਟ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਵਾਕ ਹੈ ਚੰਮ ਲੱਗਿਆ ਗਲਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਉਹ ਆਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਆਪਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕੋਲੇ ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕੋਲੇ 20-30 ਮਸੰਦ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਭਾਜੀ ਬੱਚਿਓ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਝਾ ਤੂੰ ਆ ਤੇਰੇ ਜਵਾਕ ਜੇ ਨੂੰ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ 9-10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਨੇ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਜੰਗੀ ਸਾਜ ਸਮਾਨ ਪਰੇਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜੰਗ ਮੰਗਦੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਉੱਜੜੂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਮਸੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਦੇ ਬਣੀ ਵੇਖ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਮਾਦੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੂੰ ਸਿਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਕੀ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦਾ ਪੰਗੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਮਾਤਾ ਵੀ ਡਰ ਗਈ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਹੈ ਕਿਤੇ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਜੇ ਕੰਮ ਗਈ ਮਾਤਾ ਕਹਿਣੀ ਮਸੰਦ ਆਖਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਮਝਾਉਂਗੀ ਜਦ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਏ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ ਘੁੱਟੀ ਜਾਵੇ ਨਾਲੇ ਬਰਾਗ ਦੇ ਆਸੂ ਘੁੱਟਣੋਂ ਨਾ ਹਟੇ ਕਦੇ ਹੱਥ ਚੁੰਮੇ ਕਦੇ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਆਏ ਹਾਏ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਬੇਟਾ ਮਾਮਾ ਪੁੱਤਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਉਹ ਆਜਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਪੁੱਤ ਸੀ ਉਹ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਪਿਆਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਛੋੜੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮਾਂ ਦੀ ਬੇਟਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤੂੰ ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਜੰਗੀ ਸਾਜ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮਸੰਦ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਬੀ ਲਾਤੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਡਰਦੇ ਨੇ ਮਸੰਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਤਿੰਨ ਮੀਲ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਸਕਦੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਕਮਸਾਨ ਪੈ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਫੱਟੀ ਪੋਚੀ ਜਾਊ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜਦ ਸ਼ੇਰ ਜੰਗਲੀ ਬੁਗਦਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੁਗਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਹਿਲਾਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ
माता जी जे कहिए दरियावां दा पानी कुचियां च पै जूगा नहीं पैंदा, तेरे पुत देता जंगी झंडे झुलणगे। कलगी वाले गुरु माता जी नूं कहिंदे ने जग ते रलक मड़क नाल जिउणा, किसे तो डर के रहना नहीं, मैं राजा मूहरे नीवियां नहीं पाउणियां, मैं तां मड़क नाल जिउणा संसार दे उत्ते धौण उच्ची करके, देखी मेरे योधे कहे जे होणगे। गुरु जी माता नूं इउं आखदे ने, माता कहे पोलिया गल्ला मैं ता चाले अपनी चलाए, रोकू कौन समुंदर छलाए, ए कुचियां विच बैणा नी जग ते रड़क मड़क ना जोड़ा, किसे तो डर के हुण तां डर के रहणा नी। हाथ गोरे अलख इश्क दा पड़ के, हाथ विच गादा गरीबी फर के, तत्ती तवी जिगर विच रड़ के, तत्ती तवी जिगर विच रड़ के, मार चौकड़ा मार चौकड़ा पैणा नी जग ते रड़क मड़क नाल जाणा, किसे तो डर के डर के रहणा नी। साते सतगुर दी सच साखी करनी मजलूमा दी राखी, सानू सेवा पूजा पाखी होर दाना भी होर दाना भी लेना नी, जग ते रड़क मड़क ना जोड़ा, किसे तो डर के डर के रहणा नी। चुलना गुरु नानक दा चंदा, चुलना गुरु नानक दा चंदा, एक हाथ मारा एक हाथ ठंडा, कटना मुगल राज दा चंदा, कटना मुगल राज दा चंदा, किसे दा दावता किसे दा दावता सैना नी, जग ते रड़क मड़क ना जाना, किसे तो डर के डर के रहना नी। ओ मेरे शस्त्र तारी सूरे, मेरे शस्त्र तारी सूरे, चुकदे नहीं किसे दे मूरे, चलने मुश्किल बड़े खबूरे, बिन मतलब को बिन मतलब को खैरा नी, जग ते रड़क मड़क ना जाना, किसे ते डर के हुण तां डर के रहना नी। खंडे साडे माला मण के हुण नी रहना कुझ दिल बण के, तुरना धोवे अपनी तण के नीमी पाके बैणा नी, चक ते रड़क मड़क ना जाना, किसे तो डर के डर के रहना नी। सतगुर माता नू समझावे, गोद विच पै के लाड लगावे, लख तूफान बराड़ा आवे, किलाए आनंदपुर किलाए आनंदपुर तैणा नी, जग ते रड़क मड़क नाल जाना, किसे तो डर के डर के रहना नी। थोड़ी थोड़ी रियासत है, पहाड़ियां च आमदनी है नहीं, अपने कोले फौजां भी थोड़ियां ने, हथियार भी थोड़े ने, ये दसवें गुरु कोले तां पूरा ही पंजाब है, मालवा दुआबा माझा, ये तां बाहर काबल तक बाहरले देशां तक, गुरु नानक जी एक बड़े कला वाले सी, उन्होंने सारे देश नूं घुम के अपने बना लिया। दसवें गुरु कोले माया ज्यादा है, इन्हें अपनी फौज तैयार करके हथियार तैयार करके जब अपने से चढ़ाई करी ये नुकसान करूगा अपना। सारे तो पहला जरा गुआढ़ी राजा सी, राजा भीम चंद, कहलूर पहाड़ कहलूर दा राज शहर करोल, ये सिर्फ 40 मील है आनंदपुर तो सीधा पहाड़ की सैड से। वो राजा कहना मैं नेड़े हाँ, गुआढ़ी हाँ, मैं ये पहला आई दे मूँह च मैं हाँ,
जद इन्हें चढ़ाई की सारे तो पहला मैनू हड़प करूंगा। वो घबरा के डर गया। ओले हों एक वजीर बुद्धिजीवी आ देवी चंद। वो देवी चंद न कहते भी देवी चंदा तू आनंदपुर जा, पता लेके आ भी गुरु को सैना फौज हथियार किन्ना क समान है। वो आता जी ठीक है। जब देवी चंद आया आनंदपुर, कलगी वाले गुरु एक कोड़ी बंदा कोड़ी जो कुष्ट लग्या शरीर का फुटिया होया, वो बनी वेखन जी ना करे, वो सतगुरु के मूह च गुरपियां कराइया आप पा भोजन छका कोड़ी। वो देवी चंद हैरान होया, कहना जी ते को किन्निया सेवादार हजारा, तुसी इस कोड़ी के मूह में आप भोजन पा रहे हो, वेखन जी नहीं करता, ये बैठे हथ जूठे करते हो, ये की गल है? दसवें गुरु कहते देवी चंद तू रिपोर्ट लैन आया, तू रिपोर्ट ले जा कहीं लेना है, ये तो गुरु नानक की गोलक है, जरा गरीब का मूह है वो गुरु की गोलक है, ये मैं समान पाँगा तू ना घबरा। वो जान गए भी तो रबी जोत है, वो चरणा तो देखते कहते महाराज बस रिपोर्ट मेरी पूरी होगी, मैनू आपदा बना लो। महाराज कहते बनता तू सा दिया, तकलीफ भी होगी पर कर देंगे पहली बारी मुक्त। वो आता जी ठीक है, नमस्कार करके तुर गया। जब पहुंचया राजा भीम चंद कहता देवी चंदा रिपोर्ट लिया। वो आता जी रिपोर्ट तो मैं ता दसा जो मैं मुड़ के आया होव, मैं तो उत्थे ही रह गया। वो हैरान होया भीम चंद, आता खड़ा तो मेरे मूहरे है, तू आता मैं उत्थे ही रह गया। वो आता जी जी मेरी जीव आत्मा भौर से भावना वो तो उत्थे रह गई, इधर बाडी खड़ी है मेरी, मैं नहीं हाँ इतने हूं, मैं तो वह बन गया। उन्होंने दुख भी बड़े दिते भी इन्हें कोई कम ना किया। तो फिर उन्हें चतरदास वजीर भेजा, चतरदास ने आके देखिया सारिया पावर तो मुड़ गया। भीम चंद कहना चतरदास किन्ने क हथियार किन्ने क फौज है वो को। चतरदास वजीर कहना भीम चंद न कहता पावर तो बहुत है, कमी कोई नहीं, पर तू ना डर, ये राजा नहीं कुछ कहता, ये तो मुगलों के खिलाफ जंग युद्ध करूगा, करूगा यह जरूर, पर अपना तो यह सुख देगा अपना, वो आता अपना की सुख देगा। यह एक मर्जी महंगी गल है। वो कहता चतरदास कहना जरा तेरा दादा सी तारा चंद जब ग्वालियर की जेल में बवंजा राजे कैद सी, उदों तेरा दादा भी कैद सी ग्वालियर च, ये दादे ने दसवें पातशाह दे ने छेवें पातशाह ने वो तेरे दादे नूं छड़ाया, जिवें राजिआं बंदीखाने चों कढ़े, ये तो बंदी छोड़ ने, ये आपां नूं कुछ कहिंदी। वो जिहड़ा दे सी ना राजा भीम चंद खुश भी होया, वो कहिंदा फिर चंगा ऐ कर मैनूं दर्शन करा के लियाओ। दे चतरदास कहिंदा गेट खुल्ला है आ जा, लियाया। जब राजा भीम चंद ने आके ना फिर दरबार वेख्या, उस समय का एक नक्शा वेखो तुसी, भई कलगी वाले पातशाह दियां किधरे तो फौजां दियां ट्रेनिंगां, किधरे एक प्रशासी हाथी पढ़िया लिखिया, जे महाराज तीर मार दिओ तीर लिआउंदा चाके, महाराज हथ धोंदे हो तौलिया फड़ाउंदा, वह चौबी घंटे हाथी नाल ही रहिंदा। ते जे उन्होंने घोड़ सवार देखो उतू, नेजेबाजी देखो उतू, भी राजे भीम चंद का दिमाग खुश हो गया, वादा हद होगी, आता चित्रकारी दुनिया में कितने देखी हुई नहीं, आप आ कविता सुनो, भी राजा भीम चंद जब दर्शन करता है उसका तन मन जिवें ठंडा होया खुश होया, वह कविता सुनो, भी यो खुश होता सी। भीम चंद जाय नंद पर आया सी, सतगुरु जी का दर्शन पाया सी,
फेरे नचदी च फेरे मारे फेरे नचदी च फेरे जो गवाया सी चले सुरगा दी पौन जांदी सी ना थार दी सोभा जट तो सोभा जट तो ने आई गुरु देर बार दी सोभा जट तो सेवादार जाच फेरे वेखे फेरे दे ठोस पच्चर डोल वेखे हीर दे पानी पार ना पुष्प जानो केर दे चली जानी ना चलक हंसा निडार दी शोभा जग तो शोभा जग तो नियारी गुरु दरबार दी शोभा जग तो पशमीने दी जो चावनी कमाल सी पशमीने दी जो चावनी कमाल सी सारे जग नालो बखरी मसाल सी बड़ी हीरे पन्ने मोतियां दे नाल सी छाल फिक्की पाई जंदी सोर को बाजार दी सोभा जग तो सोभा जग तो नियारी गुरु दरबार दी सोभा जग तो आया हाथी पार शादी जी दा नाम सी पहला गुरु जी नो कीती पार नाम सी आया हाथी पार शादी जी दा नाम सी पहला गुरु जी नु कीती पार नाम सी तोड़ा गुरु दे चरण सुबह शाम सी गुरु दे चरण सुबह शाम सी जीदी कली कली खैर से तमन गुजार दी शोभा जग तो शोभा जग तो नियारी गुरु बार बार दी शोभा जग तो चंगन दी रोहा कहदे सचिया जदे पूतड़िया चार पास नचिया है देखी चंदन दी चौकी रोह सचिया है जदे पूतड़िया चार पास नचिया है भीम चंद दे कले चलो तमचिया चंद दे कले चला तमचिया है जावे कली कली चीज कार चेनु खार दी सोभा जग तो है सोभा जग तो नियारी गुरु दरबार दी सोभा जग तो ओ चंगे साज बाज देख दंग रह गया साज बाज देख दंग रह गया पंज कला शाश तर कुछ कह गया ओ चंगे तौसा ते नजारा निगाह पै गया तौसा ते नजारा निगाह पै गया कोर दामणी समान जी दी तार कर दी शोभा जग तो नियारी गुरु घर वार दी शोभा जग तो बेईमान दा पसार कोई जार वे बेईमान दा पसार कोई जार वे धोखा कराइए इस बालक दे नाल मैं राज श्याम नूं सरा दे सारा हाल मैं दूसरा चंदरी परारा भैन मत मार दी सोभा जग तो जग तो नियारी गुरु घर वार दी सोभा जग तो पहला ता शांति आई अथा बीमारी कित्थों पैदा हुई एक ता पश्मीने दी चांदनी काबल दी संगत लियाई सी उदे करोड़ां दे हीरे मोती जड़े होए राजा भीमचंद कहिंदा आ ता असी सारे राजे नहीं तैयार कर सकदे अरबां दी चांदनी ते जद उहने देखिया प्रसादी हाथी उहदा कोठे वर्गा आकार मत्थे तों लैके पूंछ तक उत्तों दी चिट्टी लकीर पढ़िया लिखिया निमस्कारा करे अदा जमे सिद्ध में एक पंज कला शास्त्र सी जे एक बटन दबो तलवार बन जे दूआ दबो नेजा बन जे तीजा दबो पिस्तौल रैफल हथियार एक पंज कलाओ च पावर एक चैनण दी चौंकी उहदे ते जदों बटन दबो चारे पासे पूतड़ियां उठदियां नचदियां बह जांदियां नकली राजा कहिंदे होए इह समान बस इत्थों बेईमाना पैदा हो गया कहिंदे इह है जवाक 11 साल दा जे मैं इत्थों धोखा करके बेईमाना करके इह लै जां चीजां किसे ढंग नाल तां दब लांगे इह की करूंगा बेईमाने दा पसारा कोई जाल मैं धोखा करा इस बालके दे नाल मैं दसा दिशा चंद्री बराड़ा पहला मत मार दे जद हूं हार आउंदी है ना बंदे दी पहला बुद्धि भ्रष्ट हुंदी है उहदी आया तां प्रेम करन सी
भावना बदल गई। एक मैं और बेनती करा, जिहड़ियां चीजां सी चाननी तां काबल दी संगत लियाई सी, जिहड़े चारे चीजां सी हाथी पंज कला शास्त्र चंदन दी चौंकी सोने दे बर्तन, इह चारे चीजां रतन राय राजा लिया सी असाम दा। थोनू इस इतिहास बारे माड़ा जिहा जानकारी कर देवां, एक ब्रह्म पुत्र दरिया है असाम विच, उहदे ते नौवे गुरु जी बैठे से, जिथे दसवें गुरु के अवतार आने का सुनेहा भी वह ब्रह्म पुत्र दरिया से गया सी नौवे पातशाह को, भी तुहाडे राजकुमार आया साहिबजादा। उत्थे गुरु को आ गया राजा राम राय असाम का। वह राम राय कहते जी मेरे तो राणी की कुख सफली नहीं हुई, औलाद नहीं हुई। नौवे गुरु कहते कोई नहीं बख्श देने, आता जी जरूर कृपा करो। महाराज ने अपनी अंगूठी कढ के ना उंगल विचों वह राजे के मत्थे नूं ला दी, लै करी जिहड़ा तेरी राणी के पुत्र होऊ ना उहदे आ मोहर होगी अंगूठी दी, तां समझी गुरु नानक ने दिता है, नहीं तेरा होगा सतबचन जी। वह जद होया पुत्र रतन राय रख्या उहदा नाम, उहदी उही निशानी। जद होया अठ दस क साल का बारह क दा, उधरों तो राम राय का पिता दुनिया छड गया रतन राय का, उधरों नौवें पातशाह शहादत प्राप्त कर गए। वह कहता है अपनी मां नूं रतन राय, कहता मेरे एक जख्म जाए मत्थे च, मां किते मैं डिग डुग पिया सी, कुछ बचिया सी इत्थे। वह कहनी नहीं बेटा, फिर उन्हें दसता साडे भागा च तू नहीं सी, नौमी जोत आई सी गुरु नानक जी की, तेग बहादुर महाराज उन्होंने अपनी अंगूठी लाई सी तेरे बाप के मत्थे, भी आ होगी मोहर जरा तेरे पुत्र पैदा हो राणी दे, तू तो यह मोहर है नौमे गुरु की। आह वो कहेगा फिर मां मैनू दर्शन क्या करा उन्होंने, वो आदि वह तो चले गए दुनिया चो संसार चो। हूँ उन्होंने की गति से दसवां गुरु है, उसके तकरीबन उसकी उम्र काफ़ी सी, बारह साल की उम्र दस्या उसकी रतन राय की, नौकर लेके नाल प्रशादी हाथी चन्नण की चौंकी पंज कला शस्त्र सोने के बर्तन ये सारे रतन राय लेके आया से। जब देखे भीम चंद ने उसके मन च बेईमाना हो गया, वह कहता कहता महाराज जी एक मेरी बेनती है दसवें गुरु को, कहना यह आ जाए भी दस, कहना जी आ जिहड़ियां तुहाडियां पंज चीजा ने चाननी वगैरह ये तुसीं अठ दिन वास्ते मैनू दे दो। महाराज कहते की गल, कहना जी मेरा पुत्र है अजमेर चंद, उहनूं होऊगा रिश्ता साख, वह बरबाल शहर है एक पौंटा साहब तो गां जाई, वह बरबाल शहर का राजा फतेह शाह अपनी पुत्री का साथ मेरे पुत्र नूं करूँ अजमेर चंद नूं, कि महाराज मैं आ चीजा दिखाऊंगा भी मेरिया ने, मेरी इज्जत हो जूगी। पर एक होर दसा मैं तुहानूं गल, बंदा अंदर बेईमाना होवे जां सफाई होवे, वह मूँह तो किन्नी कही जाए धर्म नाले जी ठीक है जी, कसम है जी तुसीं मेरे हो जी, जे तो नजर ठीक है तो पता लगो, जे नजर च फर्क है ना झूठ बोलद अख नहीं कभी झूठ बोलूगी, अख सच दसो, जे तो वो हिरदे च सफाई है ता भी अख की जोत दसो भी यह साफ है हिरद, जब अख अख नहीं कभी झूठ बोलती बंदे जी, मूँह तो झूठ बोल दू जिन्ना मर्जी झूठ बोलो जी अंदर सफाई है गई तो अख दसोगी भी बेईमान है। महाराज कहते हस के कहते भीम चंद जब तू आया सी तेरी नजर होर सी, हुण नजर नहीं तेरी रही, तू कर दे बेईमान, मैनू समझ दे तू जवाक, तेनू असी एक मिनट वास्ते नहीं चीजा देंदे, एक मिनट वास्ते चला जा तेरा बेईमाना साडे कोले पहुंच गया, मच गया चला गया। फिर उन्हें जाके अठ राजे इकट्ठे किए, अठ केसरी राजा हरिचंद बड़े बलवान राजे सी, वो सारे इकट्ठे करके कहता गल सुनो राजे,
ਅਕਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਹੈ ਦਸਵਾਂ ਗੁਰੂ, ਰਾਜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ। ਹੈਂ, ਜੇ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਦੇਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸਾਂਭੋ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਉਜਾੜੋ। ਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹਾਥੀ ਘੋੜੇ ਲਓ ਲਸ਼ਕਰ ਪਾਵਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥ ਲਿਆ, ਮੱਥ ਕੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਜੰਗੀ ਧੌਂਸੇ ਤੇ ਲਾਓ ਟਕੋਰਾਂ, ਅੱਠੇ ਰਾਜੋ ਲਿਆਓ ਆਪਣੀ ਫੌਜ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਿਓ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦਸ ਬਾਂ ਗੁਰੂ ਜੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੁੱਖ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਬੇਈਮਾਨਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਆਓ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣੋ, ਛੇਤੀ ਜੰਗੀ ਧੌਂਸੇ ਤੇ ਟਕੋਰਾਂ ਲਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੰਝੇ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਝਾਲ ਮੈਂ ਚੰਡਾਲ ਦਾ, ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰੂਪ ਕਾਲ ਦਾ, ਰਾਜਾ ਭੀਮ ਹੋ ਗਿਆ ਰੂਪ ਕਾਲ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਸੰਭਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਅੱਗ ਦੀ ਵਜਾ ਦਿਓ, ਛੇਤੀ ਜੰਗ ਧੌਂਸੇ ਤੇ ਟਕੋਰਾਂ ਲਾ ਦਿਓ, ਜੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਵਧਾਈਆਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਦੀਆਂ ਫੇਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਿਵੇਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਆ ਹੋਇਆ।